तिलैया का, जहां बदलते मौसम के पेशे नजर जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरोज से। जी बिल्कुल, लैया में बदलते मौसम के पेश नज़र जानवरों की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर तारक गोदारा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इस वक्त जो है ना, छोटे जानवरों में PPR की वैक्सीन हो रही है। ये वायरल डिजीज़ है। किसान भाइयों से गुजारिश है, हमारे टीमें जो हैं इनके साथ जो है ना तआवुन करें और अपने तमाम भेड़ बकरियों को PPR की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा हमारे लार्ज एनिमल में जो है रिंग वैक्सीनेशन हो रही है मुँह खुर की। और मेरी ये तमाम भाइयों से और गुजारिश भी है फार्मर से कि वो कहीं भी अगर मुँह खुर का कोई एक भी केस आता है तो वो हमें रिपोर्ट करें या अपने करीबी शिफाखाना से ज़रूर रब्ता करें, ताकि वो उस इलाके के हम वैक्सीनेशन भी कर सकें और सर्वेलेंस भी कर सकें। इसके अलावा हमारी जो है ना मुर्गियों में रानी खेत की वैक्सीन चल रही है। ये भी मेरी गुजारिश है कि हमारी टीमें जो जा रही हैं वो घर घर जा कर रानी खेत की वैक्सीन कर रही हैं। रानी खेत की वैक्सीन मुर्गियों को साल में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे मौलिक बीमारी है हमारी देसी मुर्गियों की। इसके अलावा हमारे जो नस्ल कशी के हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, वो भी हमारे हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी नस्ल के जो है ना चोलिस्तानी, इसके अलावा सहीवाल और नीली रावी के जो सीमन होते हैं, वो भी उनसे सब्सिडाइज जो कम से कम रेट्स होते हैं, हमारे सरकारी रेट्स होते हैं, उन पर लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये महकमा लाइफ स्टॉक लैया की जानिब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को चाहिए कि इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएं और महकमा लाइफ स्टॉक के साथ कोऑपरेट करें। जी शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।